नमस्कार वीक्षकरे यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस नल्ली तमगेल्लरिगू स्वागत नानु तौसीफ शहर बीजापुर में वुमेन इंडिया वुमेन WIM HDPI वुमेन्स टीम ने ख्वाजा साहिब उंडेकर की उन दोनों बेटियों से मुलाकात की जिन्होंने अपने हाथ से कुरान पाक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा। इन दोनों बच्चियों की हिम्मत अफजाई करते हुए इनके इस नेक काम को सराहा और साथ ही साथ इनके वालिदान की जानिब से दी जाने वाली तरबियत और मदरसा आयशा सिद्दीकी की तालीमात से भी मुतासिर हुए। मुलाकात करने वालों में HDPI स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा सादिया सैयद, वुमेन इंडिया मूवमेंट से बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीलोफर खान पठान और डिस्ट्रिक्ट के दीगर जिम्मेदार भी मौजूद थे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आप दोनों अपना नाम बताइए। मेरा नाम अकीला बिनते ख्वाजा साहब और मेरा तहमीना बिनते ख्वाजा साहब। अच्छा, आप लोग पढ़ती हैं? जी बिल्कुल। मतलब कि कॉलेज जाती हैं? हाँ। क्वालिफिकेशन? अच्छा, अब बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल दोनों का? हाँ हाँ दोनों। इसके अलावा आपने आलमियत कंप्लीट करा है? आलमियत कंप्लीट की और अफजल उल मबारक। अच्छा, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला और कैसे आपने सोचा कि हमें कुरान लिखना चाहिए? कुछ ख्याल कहाँ से आपको ये पैदा हुआ? यूं ही बस बैठे बैठे? जैसा कि हमने पहले भी बताया है इसके बारे में कि हमने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को इसीलिए बनाया है ताकि तुमको आजमाए कि तुमने अमल के एतबार से बेहतरीन शख्स कौन है। तो ये जब आयत पढ़ी तो हमें ऐसा लगा कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करना है। तो फिर हमें मतलब हर कोई यही कहता था कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम अल्लाह ताला के कलाम को लिखें। तो इसके बाद हमने कुरान लिखना स्टार्ट किया। तो कितना वक्फा लगा आपको कुरान कंप्लीट करने में? 15 महीने का। तो जब आप लिखती होंगी तो बावजू रहना पड़ता होगा? हाँ, वजू के साथ ही हमने पूरा कुरान को पूरा कुरान वजू के साथ मुकम्मल किया। हमने कुरान लिखा है, इसी तरह आप भी लिख सकती हैं, तमाम उम्मत की लड़कियां भी लिख सकती हैं इस कुरान को। तो बस हमने एक छोटी सी कोशिश की है और अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाता है, वह अल्लैसल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। तो हमने भी एक ये छोटी सी कोशिश की है और अगर आप भी कोशिश इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा और कामयाब करेगा। बेशक बेशक, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की टीम बहुत फख्र के साथ बीजापुर में मौजूद है और हम तहमीना और अकीला को उनके एक बहुत बड़े कारनामे के लिए फेलिसिटेट करने आए हैं, जिसे बताते हुए फख्र और खुशी दोनों ही मिले जुले जज्बात हैं। इन बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम के साथ साथ एक कारनामा ये अंजाम दिया कि कुरान को अपने हाथों से कैलीग्राफी में उतार दिया। मैं समझती हूँ कि इस तरह के कारनामे इतनी यंग एज में जो इन्होंने किया, यह एक अल्लाह का मौजजा है। हमने इन देखा, इनके हाथ का लिखा हुआ कुरान 3 जिल्दों में 3 जिल्दे, एक बहन ने कंप्लीट करी और 3 जिल्दे जो है वो दूसरी बहन ने कंप्लीट करी। दोनों बहनों ने माशाल्लाह बे इंतहा खूबसूरती से कुरान को मुकम्मल अपने हाथों से जिस तरह लिखा है, वो बार बार देखने पर भी यकीन नहीं आ रहा कि ये हाथ का लिखा हुआ कुरान हो सकता है। तो हम मुबारकबाद देते हैं इनके माँ बाप को जो कि इस बात के हकदार हैं और तारीफ के हकदार हैं कि देखिए आज के वक्त में, फितने के दौर में, ये बच्चियां मिसाल हैं कौम के लिए और यंग जनरेशन के लिए, और ये माँ बाप मिसाल हैं जिन्होंने अपने घर में एक ऐसा माहौल रखा होगा या वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जज्बात और सोच के लिए एक मोटिवेशन बने होंगे कि उनकी बच्चियों ने घर बैठकर पढ़ाई के साथ ये कारनामा अंजाम। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.